तो प्रॉब्लम में देखो एक फिगर दिखाया हुआ है जिसमें तीन ब्लॉक्स हैं M1, M2 और M3, आपस में दो स्ट्रिंग्स AB और CD से कनेक्टेड हैं, और फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन M1, M2, M3 का, और स्ट्रिंग AB में टेंशन और CD में टेंशन। तो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले मैं ब्लॉक M1 का FBD बना लेता हूँ। तो M1 पे एक F फोर्स इधर लग रहा है, और मैंने टेंशन इन स्ट्रिंग AB, टेंशन इन स्ट्रिंग AB को मैंने T1 ट्रीट किया है, और टेंशन इन स्ट्रिंग CD को मैंने T2 ट्रीट किया है। ठीक है, तो M1 पर T1 इधर लग रहा होगा। ठीक है, अच्छा नॉर्मल और M1G भी लग रहे होंगे, तो चलो बना लेते हैं। ये नॉर्मल और ये M1G। अब यहाँ पे नॉर्मल और M1G के बारे में बात समझो। अगर मैं यहाँ पे लाइन ऑफ मोशन की बात करूँ तो आपको तो समझ में आ रहा होगा लाइन ऑफ मोशन ये है, ये तो ये लाइन ऑफ मोशन है। ठीक है, अब लाइन ऑफ मोशन के अलॉन्ग फोर्सेस रहने चाहिए और उसके परपेंडिकुलर ही फोर्सेस रहने चाहिए FBD के अंदर। तो बिल्कुल लाइन ऑफ मोशन के अलॉन्ग और लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर ही फोर्सेस हैं, इसके अलावा कोई फोर्सेस नहीं है। अब लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर वाले फोर्सेस का तो सम जीरो होगा, है ना? बात समझ रहे हो? मतलब वो तो ऊपर जितना लग रहा है उतना ही नीचे भी लगेगा यहाँ पे, तो नॉर्मल और M1G बराबर होगा। तो उसका मुझे नहीं लगता इस प्रॉब्लम में कुछ काम है, तो इसको हम यहाँ पे ओमिट कर देते हैं और लिखते नहीं है इस चीज़ को। ठीक है, तो M1 पर जो इन द लाइन ऑफ मोशन फोर्सेज हैं वो F और T1 है। अच्छा, मैंने मैंने M1 का एक्सेलेशन A इधर मान लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने M2 का FBD जब बनाऊंगा तो उसका भी एक्सेलेशन A इधर ही होगा, और M3 का भी एक्सेलेशन A इधर होगा। अब देखो कैसे, M1 और M2 एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे तो पुली है ही नहीं, तो M1 और M2 अगर एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं और स्ट्रिंग हमारी आइडियल है, तो उस केस में M1 और M2 का एक्सेलेशन सेम होगा। ठीक है, वापस से तो इसका ए हो गया, इसका भी ए हो गया सेम डायरेक्शन में। और M2 और M3 अब एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो M2 और M3 का एक्सेलेशन सेम होगा। तो अगर M2 का ए है तो M3 का भी ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये M1 का FBD हो गया। M2 का FBD कैसे बनेगा? यहाँ पे तो T1 लगेगा क्योंकि स्ट्रिंग AB का पार्ट है, और यहाँ पे T2 लगेगा, और M3 में सिर्फ सिर्फ T2 लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। एक्सेलेशन की डायरेक्शन में है F माइनस T1 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलेशन। यहाँ पे T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलेशन, और यहाँ पे सिर्फ T2 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलेशन। अच्छा, मास की वैल्यू लिख देता हूँ M2A M3A। तो यहाँ पे मेरे पास तीन इक्वेशन आ गए। ठीक है, अब तीन इक्वेशन को सॉल्व करके मैं एक्सेलेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। यहाँ से तो पहले मैं T2 रख देता हूँ तो मुझे T1 मिल जाएगा। तो T1 माइनस T2 की वैल्यू है M3A इज इक्वल्स टू M2A। ठीक है ना, अभी T1 की वैल्यू आ गई M2A प्लस M3A। ठीक है, और यहाँ पे T1 की वैल्यू रख दो तो यहाँ से आ जाएगा F माइनस T1, T1 विच इज़ M2A, और यहाँ पे माइनस है ये प्लस, तो माइनस हो जाएगा माइनस M3A इज इक्वल्स टू M1A। ठीक है, F इज इक्वल्स टू आएगा M1A प्लस M2A प्लस M3A अपॉन, नहीं इतना हो गया ना, हाँ, तो यहाँ से एक्सेलेशन मेरा आ गया F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक्सेलेशन का आंसर। ठीक है, अभी एक्सेलेशन की वैल्यू को अगर आप यहाँ पे रख दे तो T1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखना है तो रख ही देते हैं यहाँ पे। तो T1 इज इक्वल्स टू, T1 जो हमने फाइंड आउट करना है, M2A प्लस M3A, तो M2 प्लस M3 इंटू ए है। ए की वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पे F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो मेरा यहाँ से T1 का जो आंसर आएगा वो आएगा M2 प्लस M3 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया T1। अब T2 की वैल्यू निकालनी है, तो T2 इज इक्वल्स टू M3A है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो T2 इज इक्वल्स टू M3A, तो यहाँ पे रख देते हैं T2 इज इक्वल्स टू
एम थ्री इंटू ए, एक्सेलेशन की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, वो है एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। तो यहाँ पे ए आ जाएगा एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, ठीक है। तो ये मेरा टी टू का आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, यही प्रॉब्लम को मैं आगे एक बहुत इजी मेथड से भी बताऊंगा, जहाँ पे हम सिस्टम मान लेंगे और डायरेक्टली हमें एक्सेलेशन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो जब मैं सिस्टम की वीडियो बना रहा हूँगा कि कैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक सिस्टम पर अप्लाई किया जाता है, तो वहाँ पे इसी प्रॉब्लम को हम और इजियर मेथड से करेंगे, ठीक है।